तो दोस्तों ऐसे मोटर ने अपने क्वार्टर फोर के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया, तो इसलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर फोर के नंबर्स के अंदर। लेकिन उससे पहले बता दूं, कंपनी ने इस क्वार्टर में 37 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से डिविडेंड देने का भी अनाउंसमेंट किया है। तो याद रखिएगा, कंपनी की ओर से 37 रुपये का डिविडेंड भी इस क्वार्टर में दिया जा रहा है। चलिए नंबर देख लेते हैं, क्योंकि नंबर देखने में तो अच्छे लग रहे हैं, कैसे क्या है चलिए देख लेते हैं। क्योंकि ऑटो सेक्टर के जो नंबर्स आ रहे हैं वो तो अच्छे आ रहे हैं, देखते हैं क्या आईसर मोटर ने सही नंबर दिया है या नहीं। पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का टोटल रेवेन्यू 3,721 करोड़ था, जो कि कंपनी ने ऑपरेशन के थ्रू जनरेट किया था पिछले साल मात्र 3,193 करोड़, जो कि अभी देखें तो बढ़ के 3,806 करोड़ के आसपास हो चुका है। तो कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक अच्छी खासी तेजी आपको देखने को मिली, अप्रोक्सीमेटली आप बोल सकते हैं 20% के आसपास की तेजी है साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर। वहीं अगर क्वार्टर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर क्वार्टर ज़्यादा बड़ी तेजी नहीं है, अप्रोक्सीमेटली आप बोल सकते हैं 3% के आसपास की तेजी आपको देखने को मिलेगी। तो क्वार्टर क्वार्टर कंपनी का रेवेन्यू हल्का सा बढ़ा है, लेकिन साल दर साल देखें तो साल दर साल एक अच्छी खासी तेजी आपको देखने को मिल रही है। चलिए कंपनी के खर्चे क्या है वो देख लेते हैं। पिछले क्वार्टर में 3,006 करोड़ कंपनी ने खर्च किया था, पिछले साल 2,558 करोड़, जबकि इस क्वार्टर में कंपनी के खर्चे 3,026 करोड़ के आसपास है। तो कंपनी के खर्चे जो है वो बेहद कंट्रोल में देखने को मिल रहे हैं इस क्वार्टर में पिछले साल और पिछले क्वार्टर के मुकाबले। चलिए कंपनी का नेट प्रॉफिट क्या निकल के आता है वो देख लेते हैं। पिछले क्वार्टर की बात करें 740 करोड़ का प्रॉफिट था पिछले साल 610 करोड़ के आसपास, अभी देखें तो कंपनी का प्रॉफिट बढ़ के 905 करोड़ के आसपास आ चुका है। तो मैंने आपको क्या बताया कि क्वार्टर क्वार्टर कंपनी का जो रेवेन्यू है मात्र 3% बढ़ा है, लेकिन जब कंपनी का प्रॉफिट के अंदर आते हैं तो क्या बेहतरीन प्रॉफिट बढ़ा है। मतलब आप कह सकते हैं कि क्वार्टर क्वार्टर कंपनी का जो प्रॉफिट है ऑलमोस्ट 22% के आसपास की तेजी है। 3% रेवेन्यू बढ़ा के कंपनी ने 22% प्रॉफिट बढ़ा दिया, वो क्यों? क्योंकि कंपनी ने अपने एक्सपेंस पे इस क्वार्टर में अच्छा खासा कंट्रोल किया है। जबकि साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी का जो प्रॉफिट है ऑलमोस्ट 50% बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी के ईपीएस की बात कर लेते हैं, ईपीएस के अंदर क्या चेंजेस देखने को मिले। पिछले क्वार्टर में 27 रुपये, पिछले साल 22 रुपये, अभी देखें तो 33 रुपये के आसपास है। तो ओवरऑल देखें तो इस क्वार्टर का नंबर है तो शानदार, क्योंकि कंपनी ने रेवेन्यू क्वार्टर क्वार्टर साल दर साल दोनों बढ़ाया और कंपनी के प्रॉफिट के अंदर भी एक अच्छी खासी तेजी आपको देखने को मिल रही है। मुझे नहीं पता कि मार्केट की एस्टीमेट क्या है, मार्केट का क्या उम्मीद था इस शेयर से, लेकिन जो नंबर सामने में दिए जा रहे हैं उससे एक चीज़ तो कन्फर्म है कि नंबर अच्छे हैं, लेकिन क्वार्टर क्वार्टर कंपनी के जो रेवेन्यू है मेरे हिसाब से जितने बढ़ने चाहिए थे उतने बढ़े नहीं। लेकिन चलिए देखते हैं मार्केट इसको कैसे रिएक्ट करेगा। ओवरऑल देखें तो मेरे हिसाब से नंबर पॉजिटिव साइड पे जाते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो बस आज के लिए बस इतना ही, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।